ये हाइड्रोलिक स्ट्रेचर्स हैं, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो इसके अंदर ये तीन लीवर लगे हुए नीचे, इनमें से एक लीवर को ये प्रेस कर रहे हैं, और आप इसको दूर से देखें तो ये स्ट्रेचर ऊंचा होता चला जा रहा है। और इसको पेशेंट जिस हाइट पे भी आपने बेड से उतारना उस हाइट पे कर लें, मतलब अगर ओटी टेबल है तो उस पर ऊँचा कर लें, वैसे है तो नीचे कर लें। जब ये दोनों लीवर आगे जो हैं इसके ये दबाएँगे इकट्ठे, इनको दबाएँ जी अगले वाले लीवर्स को दोनों, तो ये देखें ये नीचे जा रहा है, जिस साइड पे आप इनको छोड़ेंगे उसी पे रुक जाएगा, पूरा दबा देंगे तो फुल नीचे चला जाएगा वरना मिड वे में रुक जाएगा। इसके अलावा ये जो ग्रिल है इन्होंने इसको ऊंचा किया है, इसकी साइड पे एक छोटा लीवर लगा हुआ है जो ये रेड रंग का, इस साइड पे भी और उस साइड पे भी, वो जिसको इन्होंने अपने हाथ से किया। इधर वाले को दिखाएँ, करीब आएँ, इधर वाले लीवर को भी आप करें ऊपर नीचे, आप करें एक दफ़ा ऊपर, ये एक छोटा सा लीवर है, ये इसको पीछे करेंगे तो ये नीचे हो जाएगा। इस ग्रिल का फ़ायदा ये है कि ये पेशेंट को नीचे नहीं गिरने देगी, और अगर 3/15 GCS पे पेशेंट आया तो उसके नीचे गिरने के चांसेस जो हैं बेड से कोई नहीं है। जो लॉक लगाना है ये देखें, इसको ब्रेक्स हैं, ये नीचे स्ट्रेचर की ब्रेक्स हैं, ये इस वक्त दरमियान में है तो ये न्यूट्रल है, ग्रीन पे होगी तो फ्री होगी, और रेड पे अगर प्रेस कर देंगे दूसरी साइड पर तो ये ब्रेक लग जाएगी और ये स्ट्रेचर इमोबाइल हो जाएगा, जहाँ पर इसको फिक्स करेंगे वहीं पर रुक जाएगा। तो ये आपने याद रखना है कि जब भी आपने पेशेंट को उतारना है तो ब्रेक लगा दें ताकि स्ट्रेचर आगे पीछे ना जाए। अब इसका एक और फंक्शन है कि ये इसके नीचे जो एक शीट लगी हुई है और ये बकायदा इसके अंदर ऑक्सीजन के सिलेंडर आप रख सकते हैं, सामान रख सकते हैं। ये इसका हेड एंड है जिसको आप ऊपर नीचे करने के लिए, इसमें दो लीवर लगे हुए हैं, अगर आप अपना ये दिखाएँगे ना तो ये दो वो हैं, इसको आप प्रेस करेंगे पीछे की तरफ, एक इधर है और एक उधर है। अब आप इसको प्रेस करें पीछे की तरफ तो इसको नीचे ले आएँ, जिस जब तक प्रेस करके रखेंगे तो ये नीचे आएगा, जहाँ पे छोड़ेंगे वहीं पे रुक जाएगा। आप 20 डिग्रीज पे रोकें इसे तो 20 डिग्रीज पे रुक जाएगा, 30 पे रोकें फुल नीचे ले जाएं तो फुल नीचे ले जाना चाहें तो फुल। अब इसका फ़ायदा ये है कि जब आपने पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करना है ओटी टेबल पर तो आप स्ट्रेचर को हाइट पर ले जाएँ, एम्बुलेंस से उतारना है तो आप पेशेंट जिस हाइट पर उस पर उसे स्लाइड करा लें, बजाय इसके कि आप पेशेंट को पहले चादरों पर उठाएँ, गद्दों पर उठाएँ, फिर उसको इस पर डालें, फिर उससे उधर लेके जाएँ। तो इसके एडवांटेजेस हैं, आप इसके व्हील्स और बाकी चीज़ें देखेंगे तो ये स्टील स्ट्रक्चर है और एल्युमिनियम इसमें यूज़ हुआ है, ये इंपोर्टेड रीफर्बिश्ड हैं। और इस किस्म के आज हमने 10 स्ट्रेचर्स जो हैं वो मियो हॉस्पिटल एमरजेंसी में दिए हैं। अगर आप इसको देखेंगे जिस तरह ये वाला है तो इसके अंदर भी इसकी ग्रिल थोड़ी डिफरेंट है, और ये देखें इसकी ग्रिल में और उसकी ग्रिल में फ़र्क है थोड़ा सा, मगर इसको नीचे करने का एक ही तरीका है, ये इसकी साइड पर एक लीवर लगा हुआ है, ये इसको आप ऊपर करेंगे तो ये वापस नीचे चली जाएगी ये ग्रिल। और ये ग्रिल इस तरह की है कि ये गद्दे के बिल्कुल लेवल पे आ जाती है ताकि पेशेंट को अनकंफर्टेबल ना हो। नीचे रखने के लिए इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर रखने की जगह है बकायदा, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये एक सॉलिड स्टडी स्ट्रेचर है। और बाकी के जो स्ट्रेचर्स हैं वो इस साइड पे पड़े हुए हैं, इनमें थोड़ा बहुत किसी में शायद मॉडिफिकेशन हो, मगर जो जनरली इनके अंदर प्रिंसिपल्स हैं इनके हाइड्रोलिक सिस्टम के वो सब एक हैं, और अगर इनको ठीक तरीके से यूज़ किया जाए तो मेरा ख्याल है कि ये एक लॉन्ग टर्म इन हॉस्पिटल को फ़ायदा है।